जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कन्या पूजन पर आपको जो दीपक अपने घर में प्रज्वलित करना है, यानी कि पूजन करने से पहले जो आपको दीपक जलाना है, वह किस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि आपको माँ अम्बे की पूर्ण कृपा प्राप्त हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को दर्शन करा रही हूँ माता शाकंभरी के। तो माता शाकंभरी का आशीर्वाद और उनके दर्शन के साथ ही हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि दीपक हमें किस प्रकार से जलाना है। तो आपको जो है कन्या पूजन करने से पूर्व अपने घर में जो है दो दीपक जलाने हैं। आप चाहें तो इसे एक करके भी जला सकते हैं। तो आपको किस प्रकार से जलाना है, आपको एक दिया लेना है, उसमें एक सफ़ेद बाती बनानी है जो कि रुई की होगी और घी का इसे भरकर आपको इसे प्रज्वलित करना है। और इसके साथ ही आपको एक दूसरा दीपक लेना है, उसमें जो है आपको लाल बाती लगानी है और तिल के तेल से उसे प्रज्वलित करना है। अब आप चाहें तो एक ही दीपक ले सकते हैं और रुई और जो आपने लाल धागा लिया है उन दोनों को मिलाकर माता रानी के बीचों बीच उसे घी से प्रज्वलित कर दें। इसे सबसे उत्तम माना जाता है। अगर आप दोनों को मिलाकर जला पाते हैं तो इस प्रक्रिया को सबसे उत्तम माना जाता है और माता रानी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो दीपक आप जला रहे हैं ये तब तक जलता रहे जब तक कि आपके घर में कन्या पूजन जो है वो पूर्ण रूप से पूर्ण ना हो जाए, यानी कि जब तक कन्याएं जो हैं आपके घर से प्रसाद लेकर ना चले जाएँ तब तक ये दीपक जो है ये जलता रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आप माता रानी का नाम का दीपक जलाएँ और कन्या का पूजन करें तो माता रानी की जो संपूर्ण कृपा है वो आपको प्राप्त होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और इस जानकारी के साथ साथ जो आपने माता रानी के, लड्डू गोपाल जी के और जो शाकंभरी माता के दर्शन किए हैं वो भी आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और अगर आप इसी तरह की जानकारियाँ मुझसे चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी के लिए जय माता।